प्रश्नमाला 4B का अभी क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। 4 और 5, 1, 2, 3 हम पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आप लोग मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.31 × 10⁻³⁰ किलोग्राम और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻²⁷ किलोग्राम है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान मानक रूप में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 9.31 × 10⁻³ किलोग्राम, तो लिख लेंगे यहाँ पे। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, तो कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 9.31 × 9.31, 31 नहीं पढ़ेंगे, 3 1 पढ़ेंगे, × 10⁻³⁰ प्लस 1.675 × 10⁻²। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे एक साथ करके, इतना क्या आ जाएगा, जोड़ोगे तो किलोग्राम में आएगा क्योंकि दोनों का वजन किलोग्राम में है, तो यहाँ पे लिख देंगे किलोग्राम। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 9.31 × 10⁻⁴ × 10⁻²⁷ प्लस 1.675 × 10⁻²⁷। किलोग्राम। तो देखिए यहाँ पे −31 को हम −4 और −27 के में बांट देंगे, तो देखिए −27 और −4 को जोड़ेंगे तो −31 हो जाएगा। यहाँ पे ये इसलिए करना पड़ा ताकि यहाँ पे −27 −27 कॉमन निकल सके। देखिए यहाँ भी −27 है, तो यहाँ भी −27 कर लिए हैं −4 को जोड़कर। तो −31 को हम −4 और −27 के करके गुना करेंगे तो बात एक ही है, −31 आ जाएगा ये दोनों को जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो अब देखिए कैसे होगा। यहाँ पे लिखेंगे 9.31 × 10⁻¹⁴ तो देखिए यहाँ पे इसको गलत कर दिए हैं, इधर साफ से बनाते हैं अब। तो 9.31 × 1/10⁴, यहाँ पे देखिए −4 है पावर में, तो 1/10 पे पावर 4 कर लेंगे। माइनस जब भी रहता है पावर के साथ तो ऊपर वाले अंक को नीचे लिख लेते हैं, तो 1/10 हो जाएगा, 10 का घात हो जाएगा 4 × 10⁻²⁷ प्लस 1.675 × 10⁻²⁷। इसको ऐसे ही लिख देंगे बाकी सबको, किलोग्राम। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लिखेंगे 9.31 × 1/ देखिए यहाँ पे 4 है, 10 का घात 4 है, तो 4 0 दे देंगे यहाँ पे, फिर बाकी सबको ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 का घात 4 है, तो 1 पे 4 0 देंगे, तो देखिए 9.31 × 10⁻¹⁴ को हम 4 0 में तोड़ दिए हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे 9, अब देखिए यहाँ पे 4 0 है, तो जब भी कोई अंक को जितना 1 पे जितना 0 से भागा देते हैं उतना ही दशमलव जो है इधर घसकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0, ये 0 है, 0.00093⁻¹⁰ प्लस 1.675 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। तो देखिए 4 0 था यहाँ पे, 4 0 है यहाँ पे, तो दशमलव जो है 9 के 3 के पहले है,
तो चार अंक इधर घसक जाएगा। देखिए 1 2 3 4 9 के बाद है तो 9, तो 9 से गिनेंगे 1 2 3 4, 3 के पहले है दशमलव, तो अब चार अंक इधर घसकेगा क्योंकि 4 0 है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 0 दशमलव हो जाएगा, ये 0 है, 0.00009 3 1, ठीक है, 0 दशमलव, ये 0 है, 0.00009 3 1 × 10 का घात -27 प्लस 1.675 × 10 का घात -27 किलोग्राम। अब देखिए जितना जीरो नीचे रहता है उतना ही दशमलव बायां तरफ घसक जाता है, तो यहाँ पे 4 0 था नीचे जिससे भागा हो रहा है, तो 4 0 बायां तरफ, चार अंक बायां तरफ दशमलव जो है घसक जाएगा, ठीक है। अब 10 का घात -27 यहाँ भी है, 10 का घात -27 यहाँ इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे 0.00009 3 1 प्लस 1.675, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, गुने 10 का घात -27 किलोग्राम। देखिए यहां पे 10 का घात -27 इसके साथ भी गुना हो रहा था और 10 का घात -27 इसके साथ भी गुना हो रहा था, तो हम क्या करेंगे 10 का घात -27 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे और बच जाएगा क्या क्या, 0.00009 3 1 प्लस 1.675, इसको अंदर ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे बीच में और जो गुना हो रहा था दोनों के साथ उसको बाहर ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को दशमलव वाला जोड़ से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1.675931, ठीक है, गुने 10 का घात -27 किलोग्राम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पे दशमलव की जगह पे दशमलव होगा, एक आएगा इधर, तो 1 और 0 1 लिखेंगे, फिर 6 7 5, ये 0 3 और 0 के बीच में नीचे आएगा, तो 6 7 5 फिर 9 3 1, तो इसको इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 दशमलव, इतना आ जाएगा, अब गुना में ये है तो इसको लिख देंगे और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक पुस्तक की मोटाई 10 सेंटीमीटर है और इसमें 4000 पृष्ठ है, एक पृष्ठ की मोटाई मानक रूप में ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक पुस्तक है उसकी मोटाई 10 सेंटीमीटर है और इसमें 4000, उस पुस्तक में 4000 पेज हैं, पृष्ठ मतलब पेज, तो एक पृष्ठ की मोटाई हमको मानक रूप में निकालना है, मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड रूप में। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लिए हैं 4000 पृष्ठ वाले एक पुस्तक की मोटाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 4000 पृष्ठ वाले एक पुस्तक की मोटाई बराबर 10 सेंटीमीटर, तो एक पृष्ठ की मोटाई क्या हो जाएगा 10/4000 सेंटीमीटर। देखिए पूरा पुस्तक की मोटाई है 10 सेंटीमीटर, तो और उसमें 4000 पेज है, तो एक पेज का मोटाई हो जाएगा 10/4000, 4000 से 10 को भागा दे देंगे सेंटीमीटर आ जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा बराबर 1 0 से 1 0 कट गया, ये देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, तो बच गया 1/400 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम लिख देंगे, यहां लिख लेते हैं 1/4 × 1/100 सेंटीमीटर, देखिए 400 में से 100 अलग कर लिए हैं तो बच गया 1/4 × 1/100 सेंटीमीटर हो गया, ये बात एक ही है, 4 × 100 400, तो 1/4 को जब भागा देंगे तो आ जाएगा 0.25 × 1/100, ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखिए इसको लिख लेंगे तो 0.25 × 10^-2 हो जाएगा सेंटीमीटर। देखिए जब भी एक के नीचे रहे तो उसको माइनस में पावर में लिख लेते हैं, तो 10 का घात, ये 10 का वर्ग होता है 100, तो 10 का घात -2 हो जाएगा क्योंकि 1/100 है। अब देखिए मानक रूप में हमेशा एक अंक के बाद दशमलव को लाना होता है, मतलब स्टैंडर्ड रूप में, तो इसको कैसे लाएंगे, तो इसको मानक रूप में लिख लेंगे, तो 2.5 × 10^-3 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए 1 दशमलव इधर घसकेगा तो एक एक अंक मतलब 2 से 3 हो जाएगा, यानी पावर में -2 से -3 हो जाएगा,
अंक इधर घसकाने पे यहाँ भी अंक एक बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मानक रूप में कर लेंगे 2.5 × 10⁻³। जब भी दशमलव इधर आएगा तो ये जो घात है वो एक बढ़ जाएगा, जितना दशमलव घसकाएंगे। अगर 5 2 दशमलव घसकाते 5 पे करते हो तो यहाँ पे -4 आ जाए, ठीक है। तो हमको मानक रूप में करना है, यानी एक ही अंक के बाद दशमलव को करना है, ठीक है। तो 2.5 × 10⁻³ सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा।